मॉर्निंग दोस्तों, मैं अमित फिर से आपके अपने चैनल वेबसाइट मेकर किंग में स्वागत करता हूं। व्यूअर्स, इस वीडियो के में मैं आप लोग को जैसे कि रिडायरेक्शन वगैरह के बारे में बताऊंगा। बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए जैसे कोई भी आपकी वेबसाइट होती है, जैसे ये मान लीजिए लोकल होस्ट में वेबसाइट है, कभी क्या होता है कि जब आप कंसोल में करते हो, मतलब आप क्या करते हो, इसको जब लोकल होस्ट से लाइव सर्वर पर भेजते हो या किसी भी लाइव सर्वर से किसी दूसरे जगह जाते हो, ठीक है, या यदि आपकी कंपनी में काम कर रहे हो तो कंपनी की अलग लाइव सर्वर होती है, ठीक है। जब उसको क्लाइंट देखता है तो एक तरह से स्टेजिंग सर्वर वो बोल सकते हो, क्लाइंट देखता है, अप्रूव करता है कि हाँ जी अब ओके है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि फिर उसको जो है उसके सर्वर पे, क्लाइंट के सर्वर पे मूव करना होता है। मूव ऑन करते समय क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं, मतलब अभी भी आपकी स्टेजिंग डेवलपमेंट की आती रहती है, ठीक है। तो उसमें जो है प्रॉब्लम क्या फेस करना पड़ता है, जनरली ये प्रॉब्लम मैं जो बता रहा हूँ, आई होप ये जो भी कंपनी में काम करते हैं उनको कभी ना कभी ये प्रॉब्लम जरूर आई होगी। अब अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही मैंने इस पे काम किया है, तो मेरे को लगा कि ये बातें आप लोग को बताना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वेबसाइट मेकर किंग का एक ही एम है कि कोडिंग को इतना आसान बना देना। और जनरली मेरे पास कोड भी आते हैं, मतलब वो पूछते हैं, मतलब फ़ोन वगैरह भी आते हैं, वो मेरे से पूछते हैं सर मेरे को कैसे कोड हटाना है ये बताइए आप, हमें हमारी जो है वेबसाइट जो है रिडायरेक्ट कर रही है पुराने सर्वर पे, या हमारे अंदर सर रिडायरेक्शन लगा हुआ। तो मैं उनको बोलता हूँ सबसे पहले तो आप प्लगइन चेक करो, कोई ऐसी रिडायरेक्शन की प्लगइन होती है या नहीं है, ठीक है। कैसे डिसेबल करो, कैश वगैरह नहीं होनी चाहिए, यदि होस्टिंग वालों से भी बात कर लो, यदि कोई क्लाउड फेयर वगैरह है तो उसको भी बंद कराओ, ठीक है। तो वो बोलते हैं सर मैंने सारा कुछ कर लिया सर, होस्टिंग मतलब से बात कर लिया सर, प्लगइन में भी देख लिया सर, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्यों रिडायरेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आदमी मतलब समझ नहीं पाता कि यार इशू कहाँ से आ रही है। मैंने प्लगइन भी चेक कर लिया, प्लगइन में रिडायरेक्शन नहीं लगा, फिर भी क्यों मेरे ओल्ड वेबसाइट पे ये क्लिक करने पे मूव ऑन हो रहा है। तो इसके 2 कारण होते हैं कि तो वो कोई भी स्टैटिक्स काम किया होता है। व्यूअर्स, अभी हाल ही की मेरी जो है वेबसाइट में मैं काम किया, उसका URL मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन मैंने वहां पर देखा कि जो उसके पीछे वाला डेवलपर था वो स्टैटिक्स मतलब यूज किया हुआ था, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है जैसे कि मान लो सपोज मैं यहाँ की बात करता हूँ, ठीक है, इस पेज पे मैंने ये चीज लिखा, ये चीजें तो डायनेमिक आ रही है, ठीक है, लेकिन इसी पेज पे सपोज इसी पेज पे यदि मैं यहाँ पे बटन यूज करूँ, ठीक है, यदि एलिमिनेटर में यदि मैं इसको बनाऊं, और क्या कई बार क्या होता है कि HREF मान लीजिए कोई भी लिंक ले लेते हैं, जैसे HREF ले लिया मैंने, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टैटिक्स लिंक बोले तो मैंने जो है HREF के अंदर गया, ठीक है, जाने के बाद जो है ये उठा के ऐसे कॉपी करके, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है जी। अब यहाँ पे कुछ भी बोल दिया, रेड मोर कर दिया या जो भी है, देखिए मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, ये सिंटेक्स इस टाइप की हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, काम देखिए वही आएगा, ठीक है। और एक मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, क्या मिस्टेक कर रहा हूँ कि मैं इसको जो हूँ लिख रहा हूँ, किस में लिख रहा हूँ, विजुअल में लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं लिखते हैं, कॉपी कर लेता हूँ, हमेशा टेक्स्ट में लिखते हैं, ठीक है, ओके जी, यहाँ कर दिया। उसके बाद अपडेट आप कर देते हो, अपडेट करने के बाद क्या होता है कि जब ये वेबसाइट मतलब लोकल से जब लाइव करते हो, अब यहाँ पे भाई साहब ने दे दिया है, मतलब ये जो दे दिया है ये क्या दे दिया है, स्टैटिक्स पाथ दे दिया है, ठीक है। अब इनको पता नहीं है भाई साहब जो जिसने भी दिया है कि भैया आप यदि इतना भी दे दो ना तो भी आपका काम हो जाएगा, ये इतना देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि भाई वहां चलाने के लिए दिखाने के लिए ये पूरा पाथ ले लेते हैं। अब लोकल पे या स्टेजिंग पे तो बढ़िया चलता है, लेकिन जब वो लाइव पे जब इसको मूव ऑन करते हैं तो लाइव पे मूव ऑन करते समय जो है यही स्टैटिक्स होने की वजह से वो चीज वहां पे आ जाती है। तो भैया आप लोग खज्जल हो जाते हो कि सर पता नहीं कहाँ से कुछ हो रहा है, रिडायरेक्शन हो रहा है, सर समझ में नहीं आ रहा है, मैंने सारा चेक कर लिया है। तो यदि ऐसी जब भी कभी प्रॉब्लम होती है तो मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं, उस पर आप गौर कीजिएगा। पहली बात, सबसे पहले जो है क्या करना है, सबसे पहले आपको प्लगइन चेक करना है, सीधी बात, सबसे पहले प्लगइन चेक करना है। प्लगइन के अंदर आप देखिए कोई रिडायरेक्शन तो नहीं लगी है,
कोई कैसे वगैरह की प्लगइन नहीं है, जैसे डब्ल्यूपी रॉकेट तो नहीं है, या चीता प्लगइन होती है, या बहुत सारी अब तो प्लगइन आ गई है कैसे की, मैं बता रहा हूँ जो बेस्ट प्लगइन है उनकी, मतलब डब्ल्यूपी रॉकेट है पेड प्लगइन है, ठीक है, डब्ल्यू पी फास्टर है करके है, ठीक है, और भी बहुत सारी हैं वेबसाइट में कैसे स्पीड कराते हैं उसके लिए भी मैंने आप लोग को वीडियो बनाया, आप भी देख सकते हो, वहां से भी आपको आइडिया हो जाएगा बेस्ट प्लगइन, उसमें भी कैसे कैसे वगैरह की प्लगइन मैंने दिया है आप लोग को, ठीक है। तो वो देखो, सबसे पहले उसको डिसेबल करो बिना सोचे समझे। यदि आप लाइव सर्वर से, ठीक है, लाइव सर्वर पे हो और ये यूआरएल ओल्ड यूआरएल आपको दिख रहा है कंसोल वगैरह में, जनरली देखो ना ब्रदर आपको कंसोल में दिखता है, ठीक है, जब आप कंसोल करोगे ना तो जो भी इशू वगैरह रहेंगे एक्सपेक्ट एलिमेंट करके यहाँ पे कंसोल में आपको दिखेंगे जो भी रहेगा वाट एवर, तो वो जो भी मिलता है पहले सबसे पहले अपना प्लगइन चेक करो, प्लगइन को डिसेबल करो, कोई भी कैसे प्लगइन नहीं होने चाहिए, कोई भी रिडक्शन की प्लगइन नहीं होनी, अभी के लिए डिसेबल करो, फिर उसको चेक करो कि अरे भाई यहाँ पे अब ठीक है कि अभी भी रिडक्शन बनी हुई है, उसके बाद में नहीं फिक्स होता है। कई कई बार भाई साहब जो मैं हैंडल किया हूं ना भाई साहब, यहाँ आता था सिर्फ कंसोल में, और यहाँ पे आप देखोगे कंट्रोल यू यदि मैं करूं इसको, तो आप देखोगे कि कंट्रोल यू व्यू सोर्स में भी आप उसको देख सकते हो जो भी है, कंट्रोल व्यू सोर्स में भी आप जैसे क्लिक करोगे तो वो चीजें जो है आपको मिल जाएगी। जैसे यहाँ देखिए ये मिल गई, ये चीजें मिल गई, रीड मोर करूं मैं, लेकिन वहां पे वो चीजें मिल नहीं रहा था, मैंने कहा यार ये कौन खज्जलपंती है, और ऐसा मेरे साथ नहीं सबके साथ होता होगा जो काम किया है, हमने कहा अच्छा इसीलिए मेरे को इतना कॉल आती है, तो मैंने कहा यार इसके लिए एक अच्छा वीडियो बनाया जाए, ठीक है। अभी तो मैं आपको वो दिखा नहीं पा रहा हूं, मतलब इतनी, मतलब यहाँ पे कुछ भी टाइप करो, मतलब जो यहाँ पे आपको दिख रहा है और कंट्रोल यू करके, जनरली जो भी यहाँ पे दिखता है कंट्रोल यू करके आप देखते हो तो वो चीज वहां मिलती है, लेकिन उसमें तो ये भी नहीं मिल रहा था, सिर्फ कंसोल में एरर दिखा रहा था। इस वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही थी, जो SSL था उस पर इनसिक्योर टाइप का आ रहा था, तो जो नेटवर्किंग का बंदा है वो भी परेशान था, कह रहा यार अमित इसको हटाओ, ठीक है। हमने कहा यार ये कहां फज्जल बनती, मतलब मैं कंट्रोल व्यू कर रहा हूं वहां भी नहीं आ रहा है, ठीक है। मैंने जो आप लोग को बताता हूँ प्लगइन वगैरह सब चेक किया, उसमें कोई कैसे प्लगइन वगैरह नहीं है, ठीक है। और कुछ जगह मैंने देखा यही भाई साहब जो अभी मैं आपको बताया, ये भाई साहब स्टेटिक्स दे दिए थे यहाँ पे, जैसे रीड मोड वाला भी मैं बताया, ठीक है। यदि ये जो है इतना भी यदि दे देते हैं, ये फोल्डर है आपको पता है, ठीक है, WMK, ये जो है हमारा फोल्डर है, यदि यहां तक भी यदि वो पाथ दे देते हैं भाई साहब तब भी वो चल जाएगा, लेकिन इन्होंने क्या किया कि पूरा पाथ मतलब यहां तक दे दिया। अब ये लोकल होस्ट भी आ गया यहाँ पे, आप देखोगे लोकल होस्ट भी यहाँ पे फुटर में आप देखो लोकल होस्ट /Amit/WMK बन रहा है, ठीक है। अब इतने की तो जरूरत नहीं है, अब देखो इससे भी यही काम हो रहा है, ठीक है, इससे भी यही काम हो रहा है ना आपका, देखिए रिडायरेक्ट हो रहा है क्योंकि इसी पेज पे। एक काम करता हूँ ना मैं, दूसरा चीज मतलब दूसरे पेज का आपको बना लेता हूँ, जैसे ये देखो ये लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को ना थोड़ा अच्छे समझ में आए। अब ना मैं क्या करता हूँ ना कि इसको यहाँ पे ऐसे करता हूँ, ठीक है जी। अब पहले ऐसे कर लेते हैं, उसके बाद जो है इसको व्यू करते हैं, ठीक है। अब यहां पे आ गया, अब जैसे मैं क्लिक करूंगा इसको तो मैं कहां पे आ जाऊंगा, इस पे आ जाऊंगा पेज, अब ठीक है। उस पर पहले जा रहा था लेकिन रिलोड का था अपने समय, अब दूसरा होगा तो अच्छे से विजुलाइज होगी आप लोग को। अब इन भाई साहब को, ठीक है, अभी यहां पे अब ये जो भाई साहब हैं इनको ये नहीं पता चल रहा है कि भैया इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यदि वो सिर्फ फोल्डर का भी नाम लिख दें तो क्या ये काम नहीं करेगा, यदि ऐसे यदि वो करते हैं, ठीक है, ऐसे यदि वो करते हैं जो भी रहे इसका, तो इसमें क्या है कि वो जो है आपका वो चलेगा, ठीक है। यहाँ पे अमित छूट गया है, रुकिए एक मिनट, ठीक है जी। तो क्या होता है कि अब जो है लोकल होस्ट आप यहां पे देखोगे, अब देखिए अमित मैंने लिख दिया, अब देखिए ऑटोमेटिक यहां पे लोकल होस्ट बन रहा है,
ठीक है, यदि मैं क्लिक करूंगा तो मैं ऑटोमेटिक इस पेज पर चला जाऊंगा, क्योंकि ये अमित नाम के फोल्डर के अंदर में रखा हुआ है, वही नहीं दिया था इसलिए नॉट फाउंड आ रहा था, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि इतना लिया, ये यूआरएल सही होता है दोस्तों, ठीक है गाइस। ऐसे ही आप लोग क्या कीजिए, आप लोग क्या करते हो कि पूरा यहां से ऐसे कॉपी किए, ठीक है, और इसको इसे यहां पर पेस्ट कर देते हो, जबकि इतने की जरूरत नहीं है। इतना यदि आप नहीं करोगे तो जिस भी सर्वर पे जाएगा ये ऑटोमेटिक डायनेमिकली कॉल होने लगेगा, तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उस सिचुएशन में क्या होता है कि यदि लाइव सर्वर है आपका, ठीक है, और दूसरा भी मतलब स्टेजिंग है, लाइव है, और क्लाइंट वाले भेज देते हो तो आपका तो काम तो करता रहता है, क्योंकि भाई यहां से है। जैसे ही आपकी कंपनी इसको बंद करेगी ये यहाँ पे नॉट फाउंड का आ जाएगा। अब यही चीज यदि हटा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट जो जिस होस्टिंग पर मूव करोगे वहीं से ये चलना शुरू होगा। देखो ये भी यही काम कर रहा है, ये भी यही काम कर रहा, बस इतना ऐड करके आप जो है उसको हार्ड कोडेड बना दिए। इस सिचुएशन में क्या होता है कि उस फाइल में आपको जा जाके चेक करना पड़ता है कि भैया मेरा तो एलिमिनेटर से बना हुआ था, उसमें पेज बिल्डर भी था, मतलब दो दो प्लगइन लगी हुई थी, ठीक है, एलिमिनेटर पेज बिल्डर और विजुअल स्टूडियो लगी हुई थी। हम जा जाके एक एक कर करके मैंने कहा भाई इतना तो मैंने फिक्स किया, तो एक नहीं थे, मतलब ऐसे कम से कम 500 थे, हमने मैनुअली हमने 10-20 को फिट किया। उसके बाद फिर मैंने देखा तो आपको पता होगा सर्च एंड रिप्लेस आती है, प्लगइन होती है, उसकी भाई साहब कभी जिंदगी में यूज मत करना, वो छोटे प्रोजेक्ट के लिए है। यदि आपकी डाटाबेस की यदि जो है साइज यदि जो है 40-50 MB तक है तो वो काम कर जाएगा, ठीक है। फाइंड एंड रिप्लेस, अब यहाँ पर देखोगे ना गूगल में प्ले स्टोर में जाओ, ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस नाम की जो है प्लगइन है वो, ठीक है, उसको आप सर्च करो, देखो तो उसमें क्या है कि ऑप्शन मिलता है रिप्लेस करने का, लेकिन वो भैया काम नहीं करता, बहुत लोग वही करते हैं। अब काम क्यों नहीं करता, यदि आपका 50 MB तक का डाटाबेस है, ठीक है, तो वो काम कर जाएगा, उससे ऊपर है तो काम नहीं करेगा। मतलब बड़ी साइटों में फाइंड एंड रिप्लेस काम नहीं करेगा, ठीक है, और बाकी छोटे जो है प्रोजेक्ट में वेबसाइट में वो आपका काम करेगा, ठीक है। बहुत पॉपुलर प्लगइन है, आप लोग यूज भी किए होंगे, आप सुने भी होंगे उसके बाद में, रियल टाइम फाइंड एंड रिप्लेस ये भी है, फाइंड एंड रिप्लेस ऑल है, सर्च एंड रिप्लेस ऑल, ये कुछ भी काम नहीं करता भाई साहब, ये सब बेकार है, ठीक है, टाइम वेस्ट है यदि आपकी डाटाबेस बहुत बड़ा है तो। उस सिचुएशन में क्या करना है, आपको सीधा अपने डाटाबेस के अंदर जाना है, मतलब PHP माई एडमिन के अंदर जाना है, ठीक है जी, PHP माई एडमिन के अंदर जाना है, और जाने के बाद जो है आप पता कर लीजिए भैया कौन सा आपका डाटाबेस है, ठीक है। मान लीजिए मेरा ये जो चल रहा है इसका डाटाबेस जो है ये है WMK, सिंपल, ठीक है। इस पे जाइए सर्च, ठीक है, सर्च पे जाइए और जो भी आपको सर्च करना है, ठीक है भाई साहब, जो भी आपको सर्च करना है, जैसे मान लो हमें सर्च करना है, ये है, ठीक है, इसके अंदर मैं इसको व्यू करता हूं, हमें सर्च करना है कि भैया ये जो है ना जय माता दी जहां भी है वो मेरे को दो, ठीक है। मैं एक मिनट और लेता हूं, व्यूअर्स अभी मेरे को मेल आई थी, उन्होंने हमसे जो है वर्डप्रेस जो मैंने इंटरव्यू क्वेश्चन बनाया था तो वो बोले थे सर हमें भेज दीजिए, तो यार आप भेजने भाजने वाला टाइम नहीं कि भाई आपको कितना भेजूं, ठीक है, मैं तो बहुत लोगों को भेज चुका हूँ, 500 से वाले लोगों को भेज दिया हूँ मैं, आप लोग के लिए वेबसाइट मेकर किंग जो बनाया है उसी पर मैंने सोर्स कोड के अंदर रख दिया है, हैं, यहाँ से जाके आप लोग क्लिक करके इजिली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आप परेशान मत होइए, वीडियो में भी बता दिया, यदि आपको इंटरव्यू क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, या जो भी मेरा कोड चाहिए, सीधे वेबसाइट मेकर किंग पे जाइए, सोर्स कोड से आप उसको कोड को उठा लीजिए, ठीक है। ये देखिए कर्ल ऑपरेशन का भी कोड वगैरह यहीं से मिल जाएगा आपको, ठीक है, बाकी वीडियो देखिए और इम्प्लीमेंट कीजिए, ओके जी। चलिए इसको बंद करते हैं, आते हैं अपने पॉइंट पे। तो जो भी आपको सर्च करना है उस डाटाबेस का पहले WP कॉन्फिग में जाएं। अब देखो बहुत से ऐसे होंगे जो पता नहीं होगा सर कैसे हमें पता चलेगा तो भैया WP कॉन्फिग नाम का जो फोल्डर होता है ना, आप मेरी प्रीवियस ट्यूटोरियल प्रीवियस मतलब जो पहले बनाता था उसमें देखिए मैंने कई बार बताया हूँ WP कॉन्फिग के अंदर जो होती है वहीं से आपको पता चल जाता है भैया कि हमारा कौन सा डाटाबेस है, पहला बात।
दूसरा बात कि आपको डब्ल्यू पी ऑप्शन में जब जाओगे ब्रदर, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन वैल्यू पे भी आपको पता चल जाएगा कि आपका डाटाबेस का मतलब आपका डाटा मतलब जो जो भी मतलब यू आर आर रहेगा वो यहाँ पे रहेगा। तो इससे आप मल्टीपल डाटाबेस है तो यहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हो, अच्छा ये यू आर एल यहाँ पे नहीं है, यानी इसका डाटाबेस नहीं, जिसका यू आर एल मैच करेगा उसी का ये डाटाबेस होगा। जैसे देखिए इसका यू आर एल क्या है, डब्ल्यू एम के कस्टम वर्क, आप देखोगे यहाँ पे तो आपको ये मिलेगा लोकल होस्ट डब्ल्यू एम अमित स्लैश डब्ल्यू एम के, मतलब इसका जो है डाटाबेस डब्ल्यू एम के है, ऐसे भी आप पता कर सकते हो और डब्ल्यू बी कॉन्फिग में भी जाके पता कर सकते हो। ठीक है जी, तो आपको करना क्या है, बस इसको डब्ल्यू एम के जो डाटाबेस है उसको उस पर चल जाइए। जाने के बाद आपको टेबल दिखेगा, ये सब ये सारी सब टेबल टेबल दिखेंगे आपको, यहाँ से स्ट्रक्चर देख सकते हो। ठीक है, 22 टेबल हैं, स्ट्रक्चर वगैरह हैं, कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। ठीक है, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, वो भी वीडियो आप देख लो, हाउ टू फाइंड सर्च कुछ ऐसे करके, याद एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, वो अब मैंने आप लोग को बताया था कि कैसे जो है आप जो है अपने वेबसाइट के डाटाबेस को मैनेज करोगे, वर्डप्रेस के डाटाबेस को मैनेज करोगे, बड़ा अच्छे से बताया था, तो वहाँ पर भी टेबल के सारे बारे में बताया था, अभी भी सर निगाहों से एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो ये सब टेबल है, इनको छोड़ना है, होल सर्च में जाइए, सीधे सिंबल सी बात है, होल सर्च में कीजिए और ऐसे कर लीजिए, ऐसे कॉपी कीजिए उसको। ठीक है, और उसके बाद ठीक है यहाँ पे आपको देखिए सेलेक्ट अनसेलेक्ट, सेलेक्ट ऑल कीजिए। ठीक है, सेलेक्ट ऑल करने के बाद इसको कर दीजिए गो। अब ये भाई साहब क्या करेंगे, जहां जहां वो चीजें मिलेगी वहां वहां ये आपको ब्राउज ऐसे करके दे देंगे। तो आपके पास दो ऑप्शन है, पहले ऑप्शन ये है कि भैया आप जो है ठीक है सबसे पहले कि स्टैटिक्स पाथ को जाइए एडिट करके जाके कीजिए, और दूसरा वे जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि सीधे डाटाबेस खोलिए और कहीं भी स्टैटिक्स रहे जो कहीं भी रहे कुछ भी रहे यदि वो डाटाबेस में सेव है तो ठीक है यहाँ से आपका काम बन जाएगा। अब देखिए अब जैसे अब यहाँ पे है डब्ल्यू पी ऑप्शन पे ब्राउज कीजिए, तो ब्राउज करेंगे तो वो जो है जय माता दी का जहां जहां रहेगा वो देखिए आपको बता देगा। ठीक है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे डब्ल्यू पी ऑप्शन में नहीं है क्योंकि आपने जय माता दी नाम रखा है इसलिए वो आ रहा है। ठीक है, डब्ल्यू ठीक है ऑप्शन में मिल गया आपको डब्ल्यू पी पोस्ट मेटा में, जनरली डब्ल्यू पी पोस्ट मेटा में ही रहता है, डब्ल्यू पी पोस्ट एंड डब्ल्यू पी पोस्ट मेटा में रहता है। तो आप देखोगे तो इसमें जो है आपको क्यूरी वगैरह दिया है, तो इसमें देखोगे तो जय माता दी होगा, देखिए जय माता दी है। ठीक है, बाकी एक बार ऐसे जब आप अटैचमेंट करेंगे और ये जो बड़ी बड़ी चीजें खुली हुई है इसको ऐसे कीजिए, इसमें देख लीजिए। ठीक है, ये ऑलरेडी बताता है किसमें है किसमें नहीं है, तो ऐसे ऐसी सिचुएशन आ जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी है, आप अपना खोजिए जय माता दी, तो ठीक है इन इन चीजों में मतलब इन इन टेबलों में बता रहा है। आप जो है सारा में और भी देख सकते हैं, 500 कर दीजिए। ठीक है, 500 करके देखिए वो चीजें आ रही हैं जो आप खोजना चाह रहे हैं जो आपने सर्च किया। ठीक है, पहली बात ऐसे आप फाइंड कीजिए, फाइंड करके आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और होल सर्च आप जब करोगे तो इसे जैसे कि आपकी मान लीजिए ये होल वेबसाइट का होल सर्च करना है तो आप सर्च पे जाओगे और यहाँ से जो भी है ये रख दीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं ये तो कॉमन है, मैं ऐसा कुछ लेता हूँ जैसे इस पे रीड मोर वाला जो है, ठीक है जो यहाँ पे रिडायरेक्ट हो रहा है। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ क्योंकि मेरे को ये खोजना है, मैं गया डाटाबेस में और यहाँ पे कर दिया। ठीक है जी, करने के बाद मैंने एटलीस्ट वन वर्ड मैच, मैंने कह रहा भैया ऑल वर्ड मैच होना चाहिए, सेलेक्ट यहाँ से करूँ ऑल वर्ड मैच होना चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। ठीक है, गो कर दिए। ठीक है, ऑल वर्ड में क्या आप देखिए इस सारा जो छोड़ दिया। ठीक है, ओके दो जगह बता रहा है, मतलब दो फाइल में मिला, डब्ल्यू बी पोस्ट में आपको मिल रहा है। आप ऐसे ब्राउज कीजिए, जब आप ब्राउज करेंगे तो आपको ये जो है इसमें आपको ये जो क्यूरी है इसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है, दूसरी बात कंट्रोल एफ कीजिए ऐसे और ऐसे करके व्यू कीजिए। ठीक है, ये देखिए हिट कीजिए, देखिए आप ऑटोमेटिक आपको हाईलाइटेड करा। ब्रदर ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है, ये लाइव जो है मैं जैसे हैंडल करता हूँ वो मैं बता रहा हूँ, तो भगा के मत देखिएगा, शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, आपका इससे फायदा होगा।
मैं थोड़ी सी बातें मेरी बुरी लगती होंगी आप लोग को, लेकिन आप लोग की भलाई के लिए मैं बोलता हूँ। इतने डिटेल में कोई नहीं आपको समझा सकता है जैसे मैं समझा रहा हूँ। जब मेहनत मैं कर रहा हूँ तो प्लीज आप लोग भी मेहनत करो, ठीक है? ऐसे आप उसको फाइंड करो। अब ये जहां जहां रहेगा वहां वहां आपको बताएगा, हाईलाइटेड करेगा, ठीक है? तो इससे क्या हुआ कि आपको पता चल गया कि भैया यहां से ये है, ठीक है? तो आप जो है इसको जो है एडिट करके ऐसे, ठीक है, एडिट करके यहां से भी आप चेंज कर सकते हो। ये देखिए जो मैंने अभी किया था, एडिट करके यहां से भी कर सकते हो, ठीक है? आपको कि हाँ सर यहां से हम कर दिए, लेकिन ये तो भैया एक डाटा है, ठीक है? ये क्या है, एक डाटा है। यदि मान लो यहीं पे 1000 डाटा रहे तो अब मैनुअली बैठ के यही करोगे? जब यही काम करना था आपको, जब आपको यही यहां तो दो डाटा मैंने डाला था, ठीक है? तो यहां पे जब यही काम करना था आपको, अब यहां से एडिट कर दिए, चलो जी ठीक है, अब यहां से एडिट कर दोगे, एडिट करके अपलोड करोगे, ठीक है? अभी मैं हटा देता हूं उम्मीद ताकि नॉट फाउंड आए, ठीक है? ऐसे ऐसे बाहर क्लिक करोगे ये सेव हो जाएगा, वन रो इफेक्टेड, मतलब ये सेव हो गया, ठीक है जी? अब जो है यहाँ पे जो है इसके में, अब इसको व्यू करके आप देखोगे, इसके व्यू पे जाओगे तो वो चलेगा नहीं, क्योंकि मैंने गलत कर दिया, तो वो वहां पे नहीं जाएगा। रीड मोड पर क्लिक करोगे तो वो पेज नॉट फाउंड पे आपको रिडायरेक्ट करेगा, ठीक है? एक जगह और था वहां से भी रिप्लेस कर लो। तो ऐसे तो है भैया कि आप छोटा छोटा दो जगह है ना, ऐसे कि आपने छोटा छोटा तो कर लिया जी, ठीक है? अब यदि यदि यही जब नहीं हुआ रहेगा तो जीरो आएगा, ठीक है? अब यहां पर भी है, ठीक है? ये अच्छा मैंने यहां पर रखा था, सॉरी इसको अभी मैंने यहां से हटा देता हूं। अब देखिए यहां पर व्यू में आप करोगे तो देख रहे हो आपको आपको यहां पे दिखेगा, ठीक है? मैंने इसी सब को हटा ही देता हूं आपको समझाने के लिए। हटाओ, मैंने क्या किया ना, हटाओ यार इसको, इन सब इतना टेंशन नहीं, मैंने इसी को हटा दिया, रीड मोर को ही हटा दिया, ठीक है जी? अब यहाँ पे आप जाओगे देखोगे तो वो चीज रीड मोर जो है यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि आपने वहां से इसको हटा दिया है, ठीक है? एक मिनट, फिर से देख लीजिए, सर्च कीजिए, ऑल पे सर्च कीजिए भैया, ठीक है? ऐसे सर्च कीजिए, ऑल एग्जैक्ट वर्ड सेलेक्ट ऑल कीजिए, और उसके बाद जो है सेलेक्ट हो गया, ठीक है? कलर देखिए बदल गया, उसके बाद गो पे चले जाइए। गो पे जाएंगे, अभी ब्राउज में है इसलिए नहीं हो रहा। अब देखिए कहाँ पे है, एक तो ऐसे ऐसे इसको एडिट करोगे और ऐसे जो है यहाँ से देखिए अभी है रिमोट, यहाँ से आपने हटा दिया, ठीक है? अभी नहीं हुआ, जब वन आएगा ना ब्रदर तभी हटेगा, याद रखना। तो ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? अब यहाँ से हट गया, अब देखो कर दिया, अब वन आ गया, रो इन्फेक्टेड हो गया। यहाँ पर भी है, इसमें भी इसी तरह मैं गया, और जाने के बाद यहाँ तो आई थिंक मैंने, हाँ इसमें भी है, ठीक है? तो ऐसे ऐसे करके ना जीरो आएगा, समझ लीजिए नहीं हुआ है, ऐसे करके आप जो है मैनुअली हटा दीजिए, ठीक है? जब मैनुअली आप हटा देंगे तो ये तो भैया एक दो डाटा है, एक एक दो डाटा पे मतलब आपने अभी अभी भी नहीं हटा है, कि उसको पहले हटा ही देते हैं। डब्ल्यू पी पोस्ट मेटा पे था, सर्च करते हैं, डाटा होल डाटाबेस के जो है उसको सर्च कीजिएगा, ठीक है? ऑल इन वन सेलेक्ट किया, ऑल किया, गो कर दिया, अभी भी है, वन मैच है, देखिए अभी दो आ रहा था, अभी वन है, मतलब कहीं एक जगह जो है वो नहीं हुआ है। अब इस पे गया, यहां पे इसीलिए ना ज्यादा जब होता है ना तो यही यही चीजें होती हैं, अभी देख रहे हो? इसीलिए ना डाटाबेस में ऐसे एक दो है तो आप ऐसे कर रहे हो, अब ज्यादा रहता है ना तो माउस से भैया इधर उधर हिल जाता है, जब हिल जाएगा तो फिर आपको
मतलब दिक्कत आने लगेगी। इसका मैं आसान भाषा आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। एक काम करता हूँ ना, इसी को हटा देता हूँ, फोटो कुछ भी नहीं चाहिए, डाटा जो मैंने बनाया था। ठीक है, तो ऐसे आप जो है सर्च सर्च कीजिए, ठीक है, और जो है डिलीट कर देते हैं यहाँ से, उसके बाद देखते हैं इसका, ठीक है। जैसे ये जब जस्ती कर रहा ना, अभी देखो हट हट नहीं रहा, इसी तरह मैं भी भाई साहब परेशान हुआ था, ये क्या खजलपंती है, हट क्यों नहीं। अब देखो अभी मैं इसको हटा दिया यहाँ से, ठीक है, और अभी डिलीट हो गया है, ठीक है। उसके बाद फिर से मैं देखता हूँ, फिर से मैं सर्च करता हूँ ऑल में, यही है, सेलेक्ट ऑल गो। अब देखिए एक भी नहीं है, लेकिन यहां पे जो है ये है, मतलब ये डाटा जो है यहां पे आ रहा है, ठीक है, जबकि इसको आना नहीं चाहिए, क्यों, आपने डाटाबेस से हटा दिया, डिलीट कर दिया है। पहले तो इसका परमालिंक सेट कर लेते हैं, हमें ऑकवर्ड सा लग रहा है, पोस्ट पे रखते हैं, पोस्ट पे गए, ठीक है, यहां पे गए। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए आप यहां से तो आपने डिलीट कर दिया, उसके बाद भी आप गए वहां पे सर्च किया, और सर्च में आपको यहां पे तो आपने डाटाबेस में सर्च किया नहीं मिला, ठीक है, नॉट, लेकिन अभी भी देखिए यहां पे आ रही, क्योंकि ये ना आपको एडिट जो है इस फाइल से, या इसकी जब कुछ कुछ और होंगी जहां पे ये आ रही होंगी, आप जो है इसको कॉपी कीजिए ऐसे, ठीक है। कॉपी करने के बाद वहीं पे जाइए सर्च पे, और ऑल पे कीजिए ऐसे, ठीक है, ऑल पे कीजिए, ऑल मैच कीजिए, सेलेक्ट कीजिए ऐसे, ठीक है, और गो कर दीजिए, ये जहां भी रहेगा ये खोज लेगा। अभी देखिए डब्ल्यू बी पोस्ट में ये है, मतलब अभी भी ये जो है एंट्री यहाँ पे है, इस वजह से वो चीजें आ रही है, ठीक है। तो आप एक काम और कर सकते हैं कि जब ऐसे सिचुएशन है तो आप सीधे इसको जो है एक्सपोर्ट कर लीजिएगा, ऐसे जाइए एक्सपोर्ट कर लीजिएगा, सेलेक्ट कीजिएगा ऐसे, अपने डाटाबेस पे जाइएगा ऐसे, ऐसे जो अभी आपका डाटाबेस है ऐसे सेलेक्ट कीजिए, और एक्सपोर्ट वाले पे ऐसे क्लिक कर लीजिए, ठीक है। एक्सपोर्ट वाले पे करने के बाद आपको क्यू का आएगा, यहाँ पे कर दीजिए ऐसे को, जैसे आप वो करेंगे ये आपको यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, और जब ये डाउनलोड हो जाएगा तब इसको खोल लीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है, ओपन कर लीजिए इसको। और जब ओपन आपका ये हो जाएगा तो यहाँ पे जो है कंट्रोल एफ कीजिए, और जो भी आपको चाहिए, जैसे जो भी रहेगा हमारा जय माता दी पूरे डाटाबेस में रहेगा, ये फाइंड कर रहा है, आपको बता देगा। www देखते हैं, अब करते हैं, यहाँ पे मियाँ बता रहा है, देखिए हाईलाइट कर रहा है ये, ठीक है। आप इसी को जो है आप किसी उसमें खोल लेंगे, कहने का मतलब है इसको आप किसी एडिटर में खोल लीजिए, जैसे विजुअल स्टूडियो में खोल लीजिए, ठीक है। मैं अभी खोल के बताता हूँ, क्योंकि सेट नहीं है तो मेरे को थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, तो अभी मैं वीडियो पॉज करता हूँ, ठीक है व्यूअर्स। तो मैंने इसको ना विजुअल स्टूडियो में जो है खोल लिया हूँ। अब इसको कंट्रोल एफ कीजिए, जो भी आपको फाइंड करना है, www जय माता दी, ठीक है, ये सर्च कीजिए, या उस पे जो कंटेंट है जो आ रहे हैं, कौन से कंटेंट आ रहे हैं, इस पे यदि आप व्यू करोगे, इस पेज के ऊपर आ रहे हैं ये कंटेंट, इसको ऐसे कॉपी कीजिए, ठीक है, विजुअल स्टूडियो में जाइए और ऐसे करके। अब देखिए यही चीज जो मैंने आपको खोला खोजा वहां पे, तो इसमें खोला था नोट पैड में, नहीं समझ में आ रहा था, और इसमें देखिए कैसे ये हाईलाइट कर रहा है, ये छह जगह है,
ठीक है, ये जो है छह जगह है, तो इसको ऐसे कर लीजिए और रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, तो ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं ब्रदर। ठीक है, यहां पे कर दीजिए, ठीक है, वेबसाइट मेकर किंग, जो भी कर दीजिए ऐसे करके। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, कुछ भी जो भी एक्स वाई जेड ऐसे सर्च कीजिए, जो भी आपको करना है सर्च एंड रिप्लेस कीजिए और उसके बाद सेलेक्ट कर दीजिए ऑल। अब ये जहां जहां रहेगा वहां पे वेबसाइट मेकर प्लीज सब्सक्राइब, देखिए आ गया, और इसको कीजिए सेव। ठीक है, इसको कीजिए सेव, सेव कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद फिर अपने डाटाबेस में जाइए। ठीक है, जो मैं ट्रिक बता रहा हूं इस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा आप लोग। ठीक है, नहीं करोगे प्रॉब्लम में आ जाओगे आप। अब डायरेक्ट जाके ऐसे डिलीट नहीं करना है कि अमित सर ने बता दिया डायरेक्ट जाके डिलीट कर देंगे, नो। आप इसका जो है एक और डाटाबेस का फिर से बैकअप लीजिए, उसको एक जगह रखिए जो आपने एडिट किया है विजुअल स्टूडियो में, ऐसे एडिट करके रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, ऐसे रख लीजिए, इसको रखिए जो आपको अपलोड करना है, एक बैकअप रख लीजिए। उसके बाद भी आपको नहीं छेड़ना है, आपको सीधे एक नया करना है भाई साहब। क्या करना है, नया नया करके अपना वो कर लीजिए, यहाँ से डाटाबेस बना लीजिए। ठीक है, अमित या जो भी है जिस नाम से आपको बनाना बनाइए, क्रिएट कीजिए, और वो जो अभी आपने किया है मतलब इंपोर्ट कर दीजिए उसमें, चूज फाइल कीजिए ऐसे। ठीक है, और डाउनलोड के अंदर था हमारा, डाउनलोड के अंदर गए हम और हमारा WMK के नाम से था, ये लीजिए ऐसे कर दीजिए और यहाँ से गो कर दीजिए। ऐसे आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है, बता देता हूँ पहली बात, मतलब जो पहले से है उसको डिलीट नहीं करना है, क्योंकि ये बैकअप है आपका, एक बार मिस हो गया ना तो फिर मिलना बड़ा मुश्किल है, बल्कि आप कितना भी बैकअप रख लो अपने पास, तो भैया ऐसा 3-5 नहीं करना है। जो आपके सर्वर वाले हैं, जो कंपनी में, उनसे बोलो कि भैया हमें एक नया डाटाबेस बनाना है, उसके लिए आप बना दो, तो वो बना देता है। तो ऐसे वो जो फाइल है आपने जो एडिटिंग किया है विजुअल स्टूडियो में, इसको जो है आप अपलोड कर दीजिए। उसके बाद आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, रिलेटेड, वो जो है खत्म हो जाएगी। ठीक है, एक बार जब ये अपलोड हो जाएगा यहाँ पे, तो इसी का क्रेडेंशियल जो है आप दे दीजिएगा उसमें, क्या बोलते हैं, WP कॉन्फिग में जाके वहां पे रख दीजिएगा। ठीक है, जैसे भी मैं बता देता हूँ अभी, जब डिटेल में इतने बता ही रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबी होती है, लेकिन क्या करूँ भाई, आप लोग को समझाना अच्छे से है। अब इस पे जाओगे और WP कॉन्फिग नाम का ही खोलोगे ना, तो ये देखिए आपको WP कॉन्फिग आप जो खोलोगे ब्रदर, तो आपको यहाँ पे दिखेगा डाटाबेस। तो यहाँ पे अभी जो आप बना रहे हो, मतलब जिसमें अपलोड किया अमित वाला, आप यहाँ पे अमित वाला रख दीजिएगा, ये ऑटोमेटिक चलने लगेगा और जो आपकी रिमूव हो जाएगी। जब सारा कुछ ओके है, कुछ भी हिला वाला नहीं है, तो एक आध दो दिन के बाद जो है इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, पूरे ऑब्जर्व करने के बाद। ठीक है व्यूअर्स, ओके, ऐसे रही बात। तो भैया ये तो मैंने आपको बता दिया कि अमित के अंदर आ गया है, WP ऑप्शन के अंदर जाओगे तो वही रहेगा वैल्यू, तो आपको जो है अमित यहाँ पे कर देना है, मतलब जो है अमित कर दीजिए अब यहाँ पे। ठीक है, डाटाबेस सेव कर दीजिए, अपडेट कर दीजिए। अब इससे क्या होगा कि आपकी ये साइट जो है ये भी चलेगी, बेकार नहीं होगी। ठीक है, चल रहा है। अब मैंने क्या लिखा था, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हो गया, अपडेट हो गया। मैंने यहाँ पे जाके प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल को रिप्लेस कर दिया था, फाइंड एंड रिप्लेस। अब ये देखिए हो गया। इसके पहले मैं कितना परेशान था, जा रहा था मैं यहां से, कर रहा था, खोज रहा था, ठीक है, वहां से नहीं हो रहा था, फिर भी आ रहा था। अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ है। अब इसको देखिए, यहाँ पे क्या था, अब देखिए यहाँ पे क्या है। ठीक है, वेबसाइट में अगर किंग के देखिए, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, देखिए यहाँ पे नहीं ना, ये नंबर था पहले, अब देखिए यहाँ पे नंबर नहीं है। ठीक है, देख लीजिए आपके सामने रिजल्ट है। ठीक है, आप इसको रिलोड कीजिए, हट गया नंबर, हट गया ना, ये होता है। ऐसे आप लोग को काम करना है, आपका सारा काम हो जाएगा, आपकी इंप्रेशन भी बन जाएगी अच्छी खासी, आप कर भी लोगे, आपका सारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा और अच्छे से
एक दो दिन के बाद ऑब्जर्व करके भैया सारा कुछ चला कर, भाई बहुत बड़ा डाटाबेस है तो सारा कुछ चेक को करके जब ओके रहेगा तो इसको कर दीजिएगा डिलीट, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे जाइएगा यहाँ पे ऑपरेशंस के अंदर जाइएगा, ठीक है, और यहाँ से मार दीजिएगा डिलीट, ड्रॉप टेबल, ड्रॉप डाटाबेस, ये खटाक, ठीक है, ये खत्म हो गया, ये डिलीट हो गया और सारा कुछ आपका चलेगा भी, ठीक है, सारा कुछ आपका चलेगा, ठीक है। अब यदि अमित की जगह यहाँ पे ये कर दीजिए, अमित वन कर दीजिए, देखिए सही है कर रहे हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, ये भी देखना जरूरी है ना भाई। अब देखिए आ जाएगा एरर एस्टिमेट डेटाबेस, ठीक है, और इसको वन हटा दीजिए ऐसे, अब इसको कीजिए अमित से, अब सारा कुछ ओके हो गया। तो भाई ऐसे ही जो है आप डाटाबेस से जाके रिडायरेक्शन वगैरह को या ओल्ड कंटेंट को आप ऐसे हटा सकते हो। ये मुश्किल से आपका एक आध घंटे का काम हो जाएगा, जो आप 1000 फाइलों में जाके एडिट करोगे सर्च कर करके वो आप इजीली ऐसे कर सकते हो। यही तरीका अप्लाइएगा, पहला बैकअप लीजिएगा, उसके बाद भी उसको डिलीट मत कीजिएगा, नया बना लीजिएगा डाटाबेस, उसमें इंपोर्ट करके जब सारी चलने लगेगी, जैसे अभी मैंने चला के आपको दिखाया है, फिर आप लोग कोई डिलीट वगैरह करने का मेन को एक्शन लीजिएगा, ऐसे मत लीजिएगा, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया भैया डाटाबेस में आपको सर्च करने का तरीका, होल डाटाबेस में। यदि मान लो आपको सिर्फ इसमें सर्च करना है, जैसे डब्ल्यूबी पोस्टमार्टम में सर्च करना है, तो इस टेबल को खोलिए यहां से क्लिक करके, उसके बाद सर्च पे जाइए और यहां पे जो है वैल्यू में जो है, ठीक है, मेटा की में जो भी वैल्यू है, ठीक है, उसको डालिएगा, ठीक है, जैसे मैं डाल दिया जय माता, ठीक है, और यहां से लाइक ना करके परसेंटेज वाला करके गो कर दीजिएगा। अब ये क्या करेगा कि इस टेबल में रहेगा तो आपको देगा, नहीं रहेगा तो नहीं। डब्ल्यूबी यूजर मेटा में नहीं है तो आपको लग रहा है डब्ल्यूबी पोस्ट मेटा में होगा, डब्ल्यूबी पोस्ट मेटा को एक बार खोलिए और इस पे जाइए ऐसे, ठीक है, और मेटा वैल्यू में जो है वही जय माता दी लिखिए, उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज कीजिए और गो हिट मारिए, ठीक है। ऐसे इसमें भी नहीं है, डब्ल्यूबी पोस्ट में देखिए, डब्ल्यूबी पोस्ट में जाइए, ठीक है। अब देखिए ये मैं आपको सर्चिंग करना बता रहा हूँ एक एक टेबल की, उस टेबल पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे सर्च पेज, उस टेबल पर क्लिक कीजिए, ठीक है, क्लिक करने के बाद जो आप यहाँ पर सर्च पे जाइए, ठीक है, क्लिक कीजिए उस टेबल को, ऐसे क्लिक कीजिए, ठीक है, इस टेबल को क्लिक किए, क्लिक करने के बाद यहाँ पर सर्च पे जाइए। सर्च पे जाने के बाद जो भी आपको भरना है, टाइटल है या जो भी आपको मिला है, ठीक है, अब जैसे कि हमें क्या चाहिए, जय माता दी था, तो आप टाइटल या कंटेंट कुछ भी है अब उसको जय माता दी ऐसे मतलब लिख दीजिए, ठीक है, ये तो होगा ही नहीं, डिलीट हो गया, जय माता दी। देखिए मैं ये जो है दूसरा लॉजिक बता रहा हूँ आप लोग को वन बाई वन टेबल के लिए, इसको गो कीजिए, ठीक है, या देखिए यहाँ पे इसको इस जगह पर मिल गया। ऐसे आप एक एक टेबल का सर्च कर सकते हैं, ठीक है, परसेंटेज में लाइक आप जरूर बताइए लगाइएगा ऐसे, और होल टेबल के लिए सर्च करना है तो ऐसे, ठीक है, होल टेबल को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे जाके सर्च कीजिए, ठीक है, सर्च पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे अपना डाटा रखिए और एग्जैक्ट ऑल मैच कीजिए, यहाँ सेलेक्ट कीजिए और वो कर लीजिए, ठीक है। तो यदि आप लोग को अभी तक जो भी मैंने समझाया है, यदि वो आप लोग को समझ में आया है तो वैसे आप लोग इम्प्लीमेंट कीजिएगा, नहीं समझ में आया है इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, ठीक है, और यदि हमारे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी इसको जरूर शेयर कीजिए, ठीक है, और मेरे जो मेहनत को सार्थक बनाइए आप, ठीक है भैया। हमारे दोस्त व्यूअर्स लोग थोड़ा हम पे भी ध्यान दीजिए, इतने आप लोग के लिए मेहनत करता हूँ तो इतना कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सबका भला हो सके, ठीक है। और मैं समअप करना चाहूंगा कि यदि आपको कोई भी कंटेंट, ओल्ड कंटेंट मिल रहा है और बहुत सारे हैं, उनको रिमूव करने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो सबसे पहले अपना प्लगइन चेक कर लीजिए, प्लगइन चेक करने के बाद एसटी एक्सेस भी देख लीजिएगा, वहां भी नहीं मिला तो डब्ल्यूपी कॉन्फिग में भी देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ महान लोग डब्ल्यूपी कॉन्फिग में भी लगा देते हैं, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। तीन फाइलों में नहीं मिला तो सीधे आंख मूंद के आ जाइएगा डाटाबेस में, डाटाबेस में जैसे मैंने सर्च करने बताया वैसे कीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद डाटाबेस को पहले एक्सपोर्ट कर लीजिएगा, एक्सपोर्ट करने के बाद किसी, जैसे हमारे विजुअल स्टूडियो बेस्ड है, ये फ्री में है, लाइनेक्स में भी चलता है, ठीक है,
और विंडो में भी चलता है, तो ये बेस्ट है, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। और इंस्टॉल करने के बाद जो है कंट्रोल एफ करके फाइंड कीजिएगा ऐसे जो भी आपको डाटा चाहिए, उसके बाद वहाँ पे रिप्लेस करके यहाँ पे रिप्लेस ऑल इससे क्लिक कर दीजिएगा। उसको सेव करके एक नया डाटाबेस बनाइएगा, वहाँ पे इसको अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है, इंपोर्ट करके उसके बाद अपना WP कॉन्फिग में जाके अपना जो है नाम उस डाटाबेस का लिख दीजिएगा। बस इतना कीजिएगा, आपका सारा कुछ ओके चलेगा। उसके बाद एक दो दिन ऑब्जर्वेशन के बाद आपका सारा कुछ ओके है, क्योंकि भाई सर्वर वाले बोलते हैं कि अरे लोड बढ़ गया, लोड बढ़ गया भैया, वो भी अलग से ही अपना आपको करते रहते हैं, ठीक है। तो भैया कहिएगा रुक जाओ भैया, एक दो दिन का दे दे, सारा देख लेना ओके है, तो बस बोलना भैया डिलीट कर दे पुराना वाला, ठीक है, और उसके बाद आपके पास बैकअप भी रहेगा और सारा कुछ ओके चलेगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट यूनिक वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय माता दी, हैव अ ग्रेट डे, बाय।